दोस्तों, गोभी लगाने का तरीका जो है ताइफ में, आज वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें तो उस वक्त तो खैर गोभी तैयार थी और रात का वक्त था, तो आपको हम सही तरह दिखा नहीं सके थे। तो ये आप काले रंग के पाइप देख रहे हैं, तो इसके ज़रिए जो है ड्रिपिंग की जाती है पानी की, और पानी जो है फिर गोभी को दिया जाता है। और अब हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये किस तरीके से जो है, ये जो पनीरी है गोभी की, वो किस तरीके से तैयार होती है, तो वो इंशाल्लाह वो भी हम आपको दिखाएंगे। गोभी का ताज़ा फूल जो है लगा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसे है, यानी कि पनीरी इसकी कैसी बनती है? ये बीज मैंने डाला हुआ है, ये कम से कम 20 दिन के बाद ये काबिल हो जाएंगे, खेतों में तकसीम करेंगे ये। सही, तो ये 20 दिन के बाद जो है पनीरी तैयार हो जाएगी इसकी? हाँ हाँ बिल्कुल, वैसी हो जाएगी जो उस तरफ है। हाँ उसी तरह उस तरह। ये देखिए दोस्तों, ये पनीरी जो है ये तकरीबन इस वक्त तैयार है, और इसका बीज जो है ये अभी लगाया इन्होंने, तो ये इंशाल्लाह 20 दिन के बाद जो है इसकी पनीरी तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर, जिस तरह हमने पहले आपको वीडियो दिखाई है, तो वो एक एक पौधा जो है वो लगाएंगे, और फिर पाइपों के ज़रिए जो है इनको पानी दिया जाता है। ये छोटे छोटे दाने लगाए, ये देखो, ये है, ये है जी, ये भी बढ़ेगा ये। इसका मेन पाइप, और ये सीधा जा रहा है कुएं में, तो इंशाल्लाह वो कुआँ भी हम आज आपको दिखाते हैं। लास्ट वीडियो में जो है रात हो चुकी थी, तो बहुत मुश्किल था, रात को ज़रा शूट नहीं कर सकते थे, तो इंशाल्लाह आज हम आपको दिखाएंगे वो कुआँ कहाँ है। देखिए, ये एक बड़ा पाइप है, ये एक बड़ा पाइप है, और यहाँ से जो है ये इसको छोटे पाइप को पानी दिया जा रहा है, तो उसके ज़रिए आगे जो है ये जैसे एक ड्रिपिंग होती है, हल्का हल्का पानी निकलता है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये कुआं है। अच्छा बाबू जी, इस कुएं के मुतालिक बताइए, क्या है ये? ये कुआं पुराने जमाने में बैलों के साथ पानी निकलता था, बैल के साथ। सही, और बैल के साथ जब इधर पानी आता था कुएं से जी, इधर इसी खेत को जाता था। सही, देखो ये किनारा, ये जी, इधर आता था, और उसी खेत को उधर जगह बना हुआ है, और दूसरा खेत को उधर नीचे इसी तरह जगह बना हुआ है। सही सही। तो दोस्तों, बाबा जी बता रहे हैं कि ये जो कुआं है ये बहुत पुराना है, तो पहले जो है बैलों के जरिए निकाला जाता था पानी। आपने बनाया हुआ कितने घंटे में ये पूरा, यानी कि इसको पानी दिया जा सकता है? ये पानी 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक हम लोग छोड़ते हैं, तो 3 घंटे में बिल्कुल ये खेत सही हो जाता है, पानी से भर जाते हैं। ये किस चीज़ का, खुबानी का जी? ये खुरबानी है, ये खुरबानी है जी। इंशाल्लाह जब खुबानी का सीज़न आया तो यहाँ की भी हम वीडियो बनाएंगे। ये कद्दू की बेल लगी हुई है, ये भी खुबानी का दरख्त है। और ये अंजीर का दरख्त है, लेकिन अभी अंजीर ख़त्म हो गई है, सीज़न जो है उसका ख़त्म हो चुका है। ये रास्ता जी, ये लाइन निकल रही है, तो अब हम आपको कुआं भी दिखाएंगे वो। देखिए माशाल्लाह, यहाँ आकर जो है बहुत सुकून मिलता है, और जो एक पाकिस्तान की तड़प है वो तो खैर पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि यहाँ पे आके पाकिस्तान की याद ताज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, ये है वो कुआं जहाँ से गोभी को पानी लगाया जाता है, और इसका पानी जो है मीठा है, इसीलिए वो गोभी वगैरह के लिए मौजू है। ये देखिए, ये इन्होंने पाइप लटकाए हुए हैं नीचे,
देखिए ये आपको पाइप नज़र आ रहा होगा जी, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है तो इसके ज़रिए जो है एक मोटर के ज़रिए कुएं से पानी खींचा जाता है और उसके बाद जो है आगे फसलों को दिया जाता है। माशाल्लाह मौसम जो है आज ताइफ का बहुत अच्छा है, वैसे तो खैर ठंडा ही रहता है लेकिन आज जो है कुछ बादल वगैरह भी हैं और माशाल्लाह अच्छा मौसम है, क्योंकि जद्दा में गर्मी होती है तो यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। और ये देखिए माशाल्लाह और ग्रीनरी, और मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल है यहाँ पर। और शहतूत वगैरह भी लगे हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बारिशें होती रहती हैं, लेकिन बाबा जी बता रहे थे कि एक साल जो है बहुत कम बारिशें हुई थी और उसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इसके जो मौसूल हैं वो बाबा जी हैं, बाबा जी और इमरान भाई जो हमारी लास्ट वीडियो में थे। नहीं, ये जब बारिश हो जाएंगे आसमान से ये बस पानी इसी में आता है, जब बारिश ना हो तो ये बिल्कुल पानी कम होता है, सूखा रहता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई, तो उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो लोग नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन आपने ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मुअज़्ज़म असलम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।